नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार स्वास्थ्य के एक नए विषय के साथ एक लंबे समय के बाद आपको फैटी लीवर से संबंधित कुछ जानकारी प्रेषित करना चाहता हूं। आखिर आप फैटी लीवर को कैसे समझते हैं, किस तरह इससे निजात पाई जा सकती है? हालांकि औषधीय रूपांतरण को लेकर और मेडिसिनल मॉडिफिकेशन को लेकर फैटी लीवर के साथ आयुर्वेद का क्या अटैचमेंट हो सकता है, इस पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी परिवर्तित है। फैटी लीवर आखिर क्या है? अमूमन देखा जाता है कि समाज का एक विशेष बड़ा वर्ग आज के समय में लीवर डिसऑर्डर से ग्रसित है, और उसमें सबसे ज्यादा कॉमन अगर पाया जाता है कोई लीवर का रोग तो वो फैटी लीवर होता है, और उसको इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा कि व्यक्ति को उसके सत्व को इतना गिरा दिया जाता है फैटी लीवर के नाम पर कि वो अपने आप को बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित मानता है। मित्रों, फैटी लीवर और कुछ नहीं, जिस प्रकार हमारी उम्र बढ़ने के साथ और दूषित खानपान के साथ हमारे शरीर के बाह्य उत्तकों में, बाह्य टिश्यूज में, बाह्य धातुओं में, आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन बाह्य धातुओं में अगर मेद धातु का डिपोजिशन होना लगे तो वो मेद धातु या वो एडिपोज टिश्यू आपके लीवर की सेल्स को अफेक्ट करता है, और वहां उस एडिपोज टिश्यू की या उस मेद धातु की परसेंटेज या प्रतिशत मात्रा लीवर में अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण लीवर कुछ हद तक, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभावित तो जरूर होता है, लेकिन अमूमन अगर 100 लोगों का आप यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें से 70 से 80 लोगों का फैटी लीवर निकलेगा ही निकलेगा। यह भी देखा जाता है कि आयु बढ़ने के साथ जिस प्रकार हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है, उसकी रचना शरीर में परिवर्तन होता है, एनाटॉमी में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार हमारे कुछ अंग ऐसे हैं जहां फैट का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे हमारे नितंब, बम्स, या हमारी टमी, पेट, एब्डोमन, या हमारे ब्रेस्ट, या हमारी चेस्ट, और इस एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन को आप मोटापे के नाम से जानते हैं। इसको उम्र बढ़ने के साथ आप रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ एक्सरसाइज अगर करी जाए, व्यायाम किया जाए, संतुलित आहार लिया जाए, फाइब्रस डाइट ली जाए, लो कैलोरी डाइट ली जाए, तो इनको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन सामान्य अवस्था में अगर आप कोई परिवर्तन इसमें करना चाहें तो आप सामान्य रहते हुए नहीं कर सकते, क्योंकि यह एज रिलेटेड फैक्टर है, आयु से जुड़ा हुआ फैक्टर है। आयु बढ़ने के साथ दोषों की स्थिति बढ़ जाती है, धातुओं का निर्माण की स्थिति बढ़ जाती है या घट जाती है या परिवर्तित हो जाती है। एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, जो मेटाबोलिज्म के दो पार्ट है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, उनमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जिस प्रकार चिकनाई हमारे बाहरी शरीर अंग स्किन पर डिपॉजिट हो रही है, वो आंतरिक रूप से भी डिपॉजिट होगी ही होगी, इस बात को ध्यान देने के योग्य है। अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज एडिपोज टिश्यू के एक्युमुलेशन से बढ़ रहा है, टमी का साइज बढ़ रहा है, बम्स का साइज बढ़ रहा है, आपकी थाइस का साइज बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके विसरल ऑर्गन पर, आंतरिक जो अंग है जिसमें मुख्यतः लीवर है, उस पर भी चिकनाई डिपॉजिट होगी ही होगी। इस तरह मैं कह सकता हूं 100 में से 70 में से 80 लोगों को फैटी लीवर निकलेगा ही निकलेगा। तो आप ये मत मानिए कि आप यूनिक हैं, ये एक सामान्य परिवर्तन है जो उम्र के साथ या दूषित आहार विहार के साथ या जो हम खान पीन कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा फिजिकल वर्क जीरो हो गया है, तो इस कारण जो है वो परिवर्तन नेगेटिव डिपोजिशन के रूप में होना ही होना है। हाँ, वो खतरनाक या हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब हम उस चीज को, फैटी लीवर को कंट्रोल ना करें, अपने जो दिनचर्या है, अपनी जो प्रकृति है उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या को, अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई ना करें। अमूमन देखा जाता है फैटी लीवर को एक हवा समाज में बनाकर अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखा जाता है, ग्रेड उसकी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के अनुसार, और पेशेंट को एक तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। फैटी लीवर का आयुर्वेद में क्या योगदान है? आयुर्वेद में आयुर्वेद औषधि जो मुख्यतः कफ शामक होती है उनके द्वारा और शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा में कफ शामक औषधियों का सेवन किया जा सकता है और शोधन चिकित्सा में वमन और विरेचन मुख्यतः। हालांकि कफ दोष के लिए वमन श्रेष्ठ रहता है जिसमें हम औषधियां खिलाते हैं और औषधियों को, दोषों को एकत्रित कर अमाशय से और उल्टी के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इसके विपरीत विरेचन में हम औषधियों का काढ़ा पिलाया जाता है, औषधियों का सेवन कराया जाता है और गुदा मार्ग से या एनल रीजन से जो हमारे शरीर के दूषित दोष है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक पंचकर्म का विषय है। साथ में कफ शामक औषधियां जो है कौन कौन सी होती हैं, जो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे में भी आप दालचीनी का, सोंठ का, मरीच का, पिपली का, सेंधा नमक का,
इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये आप सेवन किसी भी अपने फैमिली फिजिशियन से या अपना जो कंसल्टेंट आपका डेली का फिजिशियंस होगा उससे कंसल्ट कर या आयुर्वेदिक फिजिशियन या एलोपैथिक फिजिशियन वाट एवर यू लाइक उनसे कंसल्ट कर ही ट्रीटमेंट को फॉलोअप में डालें। अब वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? मकसद था बिना औषधि के फैटी लीवर को आगे बढ़ने से रोकना, और अगर वो ग्रेड वन ग्रेड टू में है तो फैटी लीवर को कोलैप्स कर रिवर्स कर देना, यानी कि सामान्य अवस्था में लीवर को लाना बिना औषधि के। तो मित्र, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है हर फैटी लीवर का एक औषधीय ट्रीटमेंट ही हो। जरूरी नहीं है कि हर औषधीय लीवर को फैटी लीवर को आप मेडिसिन से ही सही करें। आपकी दिनचर्या, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कब उठते हैं, कितना फिजिकल वर्क करते हैं नंबर दो, और कितना दूसरी विष का सेवन करते हैं, उसका दूसरी विष का सेवन नेगेटिव करना चाहिए। अब दूसरी विष क्या है इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, मोटा मोटा मैं बताता हूँ। हमारा आज का जो आहार विहार है, खाना है, वो करप्टेड हो चुका है, कंटेमिनेटेड हो चुका है। हमारे फल में जहर है, हमारे दूध में जहर है, हमारे पानी में जहर है। किसी ना किसी रूप में हम धीरे 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 प्रतिदिन उस जहर का सेवन करते हैं। वो एक सामान्य हो चुका है। जूस के नाम पर हम पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए फलों का जूस सेवन कर रहे हैं, जिनको हम रोक नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ, इसके अतिरिक्त हम फास्ट फूड कल्चर पर आ गए हैं, पैक्ड फूड की कल्चर पर आ गए हैं, तो कुछ ऐसी चीजें, फिजिकल वर्क हमारा जीरो हो गया है। हमारे जितनी भी आय के साधन है वो सब बैठे बैठे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परचून की दुकान पर बैठने वाला दुकानदार, आपका फिजिकल वर्क जीरो है, आप गल्ले पे सिर्फ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी 8 से 10 घंटा हो गई है, आप खाना खा रहे हैं और फिर बैठ पा रहे हैं, और फिर बैठने के बाद फिर आप डिनर कर रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। तो ऐसी अवस्था में आप कितनी भी औषधियों का सेवन कर लें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आप फैटी लीवर से निजात नहीं पा सकते। इसके लिए सर्वप्रथम यही जरूरी है, मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा फैटी लीवर। नंबर एक, फिजिकल वर्क, आप फिजिकल एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए। 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को मॉर्निंग आवर में जरूर दीजिए। खाली पेट उठिए, नींबू पानी का सेवन कीजिए, और बहुत ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या योगा है, कोशिश कीजिए कि ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें आपका ब्रेथ लेसनेस हो, यानी कि आपका सांस फूले। जब आपका सांस फूलेगा ATP बर्न होगी, आपकी ऊर्जा बंद होगी, वो ऊर्जा आपके जमे हुए एडिपोज टिश्यू से चेंज करेगा शरीर, वो एडिपोज टिश्यू धीरे धीरे गलेगा। जब वो बाहरी ऊतकों से गलेगा, बाहरी सप्त धातुओं से, जो आयुर्वेद में धातुएं हैं या टिश्यूज हैं, उनसे गलना शुरू होगा, तो निश्चित रूप से वो आंतरिक अंगों से भी गलना शुरू होगा, चाहे वो सेलुलर लेवल भी हो। तो ऐसी अवस्था में फिजिकल वर्क, फास्ट वॉकिंग, PT, पहले समय में PT कराई जाती थी तो PT का सेवन बहुत अच्छा किया है। योग, जितने भी योग हैं वो देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आधे घंटे आप कर नहीं पाएंगे, लगभग 1 घंटा मैं कहूँगा कि आपको फिजिकल वर्क जरूर करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहिए और 24 घंटे में 1 घंटा जरूर फिजिकल वर्क करिए। दूसरा, दूषित विष का सेवन मत कीजिए। अब दूषित विष क्या है? दूषित आहार, ये धीरे 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 हमारे शरीर में जमता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता, और एक विष का प्रारूप ले लेता है। हमारी डाइजेशन कैपेसिटी जीरो हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में आम बनने लगता है, वही आम डिपॉजिट हो जाता है लीवर में जाकर। आम कहते हैं कच्चा आम, जो पच नहीं पाया लेकिन दुर्भाग्यवश वो शरीर के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जठराग्नि हमारी वीक रहती है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी जीरो हो गई है, क्योंकि फिजिकल वर्क जीरो नहीं है। ऊपर से आप दूसरी विष का सेवन कर रहे हैं, मैदे से निर्मित चीजें सेवन कर रहे हैं, फास्ट फूड सेवन कर रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, ठंडा खाना खा रहे हैं, खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ये सब दूसरी विष के ही प्रारूप है। तो धीरे धीरे आप अपने शरीर के अंदर आम या टॉक्सिक मटेरियल या एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन साथ में डिपोजिट करते जा रहे हैं, यही कारण है फैटी लीवर भी उत्पन्न होता है। और नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन, इसको रिलीव करिए। किसी भी रूप में कोई भी चीज का सेवन कीजिए, आप प्रतिदिन आपका मल शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो निश्चित रूप से, अगर आप 50 ग्राम आहार लेते हैं और उसमें से 30 ग्राम जो है आहार मल के रूप में बनता, 20 ग्राम हमारे शरीर में अगर जमा हो रहा है,
और उसके साथ आम भी जमा हो रहा है एक्स्ट्रा, और मल जो पड़ा हुआ है वो भी मलाशय में ही पड़ा हुआ है, तब उसके कारण शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में वात दोष भी बढ़ जाता है। और जब वात दोष बढ़ जाता है वो तीनों दोषों को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वात दोष योगवाही का काम करता है, वो पित्त को भी दूषित करेगा और कफ को भी दूषित करेगा। ऐसी अवस्था में फैटी लीवर की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है फैटी लीवर से संबंधित, और ये मेडिसिन ट्रीटमेंट आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके करिए। नंबर दो, किसी भी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सामान्य अवस्था है। 100 में से 70 से 80 लोगों में जो 40 प्लस है या 30 प्लस है उनको फैटी लीवर होगा ही होगा। नंबर तीन, ये एज रिलेटेड फैक्टर है, जिस प्रकार हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म समय के साथ परिवर्तित होता है और हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू बाह्य ऊतकों पर बाह्य टिश्यूज पर एकुमुलेट होता है, चिपकता है, इकट्ठा होता है, इसी प्रकार वो हमारे विसरल ऑर्गन या जो आंतरिक अंग है मुख्यतः लीवर उस पर भी डिपॉजिट होता है। चौथा, दूसरी विष का सेवन ना करें, फास्ट फूड कल्चर को अवॉइड करें, खाने की एक समय पर खाना खाएं, खाने के बाद पाचक रसों का सेवन जरूर करें। पाचक औषधियाँ जैसे आप सौंठ ले सकते हैं, अदरक मूली ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, इसका सलाद साथ के साथ जरूर खाएं सलाद के रूप में। उसके बाद आप फिजिकल वर्क जरूर करें, अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं एक घंटा तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ 2 से 3 महीने में ग्रेड वन और ग्रेड टू का फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की औषधीय ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों का सेवन कीजिए। फैटी लीवर को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद में जो फैटी लीवर की सामान्य लक्षण है, यकृद्योदर नाम से जो है फैटी लीवर की एक तरह से हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें लीवर का साइज बढ़ जाता है हिपेटोमेगेली हो जाती है, और उसको हम यकृत उदर रोग के नाम से दोनों को संधि करके जो भी आप डायग्नोस करते हैं यकृद्योदर नाम से रोग बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप जो है फैटी लीवर के लिए पैनिक मत होइए, अपनी दिनचर्या को चेंज कीजिए, डाइट शेड्यूल को चेंज कीजिए, फिजिकल वर्क को बढ़ाइए, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ना पीजिए, चाय ना पीजिए, मीठा ना खाइए, फाइबरस डाइट पर लीजिए। अगर आप ये चीज़ों का सेवन करते हैं, पानी गर्म पीना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 महीने में आप स्वतः ग्रेड वन और ग्रेड टू का फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को चेंज करने की जरूरत है, किसी भी प्रकार से घबराइए नहीं, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।